अच्छा भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करें। और एग्जांपल नंबर फाइव, और मैंने वैसे 5, 6, 7। तो जरा जल्दी से इन तीनों के हम आंसर ले लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की है। उसके बाद अल्काइन पढ़ेंगे हम, और अल्काइन खत्म कर लेंगे आज इंशाल्लाह। उसके बाद कल हम अल्काइलीन करके ये टॉपिक एंड करें। तो जल्दी से जरा इसका आंसर कंफर्म करते हैं। मैं लिख रहा हूँ, और आप मुझे कंफर्म करें कि आपने यही लिखा है कि नहीं लिखा। जिन लोगों ने सिरे से नहीं किया उनसे माजरत, और जिन लोगों ने काम किया है, गलत किया है, मिस्टेक किया है, वो सही हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में चेन बनेगी स्ट्रेट, काउंटिंग होगी राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से छोटी ब्रांच है। ठीक है भाई, काउंटिंग स्ट्रेट होगी राइट साइड से, सॉरी चेन स्ट्रेट बनेगी, काउंटिंग राइट साइड से होगी क्योंकि वहां छोटी ब्रांच है। तो नाम लिखता हूं मैं, आप भी कंफर्म करें नाम क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए 5.4.5 डाइथाइल टू मिथाइल। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है भाई? तो डबल बॉन्ड आप जरा बता दें कहाँ कहाँ पर है। तो एक डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के दरम्यान है, तो 2 आएगा। एक 3 और 4 के दरम्यान है, तो 3 आएगा। एक 5 और 6 के दरम्यान है, तो 5 आएगा। तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। अच्छा, काउंटिंग मैंने गलत बता दी। डबल बॉन्ड का फासला लेफ्ट से करीब है, पता नहीं वो देखने में मुझे मिस्टेक हो गई। तो काउंटिंग यहाँ पे कहाँ से होगी? राइट से, गलत बोल दिया मैंने, लेफ्ट से होगी क्योंकि लेफ्ट से डबल बॉन्ड 1 पर है और राइट से डबल बॉन्ड 2 पर है। तो मैं जितना कुछ इससे पहले बोला है उससे माजरा। तो काउंटिंग लेफ्ट से होगी क्योंकि लेफ्ट से डबल बॉन्ड करीब है। तो इसका मतलब है कि नाम इसका होना चाहिए 2,3-डाइथाइल। सॉरी भाई, तो ये हो जाएगा 2,3-डाइथाइल, और इसीलिए यहाँ से मिथाइल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। मिथाइल चला जाएगा 5 पे, वो स्लाइड जरा आसपास कुछ मिस हो गई है, मैं दोबारा लगा रहा हूँ। सही है, तो 2,3-डाइथाइल हो गया, 1,2,3,4,5 मिथाइल हो गया। अच्छा, डबल बॉन्ड एक 1 पे हो गया, एक 3 पे हो गया, एक 4 पे हो गया। ठीक है, 1, 3 और 4। ठीक है, तो 1,3,4, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सा,
तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई और इन, ठीक है। सेकंड मेथड फॉलो करने वाले हेक्सा, प्रोपाइल इसमें कहां से आ गया? अभी अमीन एग्जांपल नंबर फाइव चल रही है, अभी सिक्स पे नहीं आओ, मिक्स हो जाएगा। फाइव फाइनल कर लेते हैं, अभी फाइव चल रही है। सेकंड मेथड फॉलो करने वाले हेक्सा वन कॉमा थ्री कॉमा फोर ट्राई इन, ठीक है। किसी को एग्जांपल नंबर फाइव में कोई मसला है, ठीक है, लाइन से चलते हैं, जल्दी नहीं करें वरना मिक्स हो जाएगा। अभी आप लोग एग्जांपल ना लिखे, मैं लिख रहा हूँ, कंफर्म करें। अभी मैं आपको अल्काइन में एग्जांपल दूंगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अल्कीन में एग्जांपल ना लिखे आप, कोई भी ना लिखे, मैं लिख रहा हूँ। अगर आपने वही लिखी है तो ओके, अगर आपने वो नहीं लिखी है तो बात कर लें अभी, वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे लिखने दें, चलो एग्जाम्पल नंबर फाइव में कोई मसला किसी को अगर नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स में बता रहा हूं। गया ही नहीं, मैं उठूंगा तो जाऊंगा ना, खुद उठ ही नहीं सकता क्लास में। तो बंद कर दिया ना मैंने, इससे चले यूपीएस हटा दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, पास किया है, कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं, अभी उधर गए नहीं मैं। हाँ तो उस वक्त बंद बंद थी ना, पता थोड़ी है, अभी जलाया होगा तो पता चल गया। चाय बनाओगे? 9 बजे के बाद। जी जी टाइमिंग यही है, सारी की सारी क्लासेस की टाइमिंग यही है, बस फिजिकल क्लासेस में आप सेंटर पे होंगे। क्यों डर लगेगा घर से निकलते? चले भाई, अभी एग्जाम्पल नंबर सिक्स कंफर्म करें, मैंने लिख दिए भाई। डबल बॉन्ड का फासला दोनों तरफ से बराबर है, लिहाजा आप ब्रांच को देखेंगे, ब्रांच का फासला भी दोनों तरफ से बराबर है, लिहाजा आप छोटी ब्रांच को देखेंगे तो काउंटिंग होगी लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। तो फाइव पे थायल आएगा और थ्री फोर पे डाई मिथाइल आ जाएगा, फोर पे प्रोपाइल है और एक डबल बॉन्ड वन पर है और एक सिक्स पर है। किसी को इसमें कोई ट्रबल कोई परेशानी है तो बता दे, एग्जाम्पल नंबर सात करके अल्काइन पे आते हैं। हाँ भाई, पूरी क्लास जितने लोगों ने एग्जाम्पल किए हैं खुद से जो छाप रहे हैं वो तो छापे। चले एग्जाम्पल नंबर सेवन, एग्जाम्पल नंबर फाइव और सिक्स में कोई परेशानी किसी को है तो बता दें। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर सात में काउंटिंग होगी राइट से
और सेकंड लास्ट कार्बन से नीचे आ जाएंगे आप, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी 8 कार्बन की। ये बात आप कल सीख लिए, लिहाजा ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलेगी 8 कार्बन की, तो आप मेरा कर्सर देखें, यहाँ से लास्ट कार्बन से नीचे आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने 7 कार्बन की चेन बनाई है वो गलत हो जाएगा, जिन्होंने 8 कार्बन की चेन बनाई है वो सही हो जाएगा। जितने लोगों से ये मिस्टेक हो गई है वो सही कर ले। मैंने आपसे बोला था पेंसिल से काम करना है, तो चेन आप 8 कार्बन की कर लें, 7 कार्बन की चेन वाले सब गलत है। 8 कार्बन की चेन करें और इसका नाम लिखें। नहीं, ब्रांच अल्काइल की होती है लिहाजा उसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा। वॉइस बीच बीच में जरा आगे पीछे होगी क्योंकि मैं डेटा से लेक्चर ले रहा हूँ, पर क्योंकि नोमेनक्लेचर का लेक्चर है इतना मसला होगा नहीं, क्योंकि मैं लिख ज्यादा रहा हूँ। हाँ माँ, तुमने भी सही लिखा है। अच्छा, मैंने नाम लिख दिया भाई, आप चेक कर लें। मेथड नंबर 2 फॉलो करने वाले ऑक्टा 1,3-diene लिखा होगा उन्होंने। किसी को एग्जाम्पल नंबर 7 में कोई लॉजिकल इशू है तो बताइए। अभी तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का भाई, 5 और हैं। हाँ, 30% कम का सुन रहे हैं, पर कौन कौन से चैप्टर हटाए जाएंगे इसका कोई फैसला नहीं हुआ है अभी, लिहाजा आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। सिंध गवर्नमेंट की किसी बात पे आप भरोसा ना करें।
30% कम होगा भाई, 30% कहाँ से हो जाएगा, नहीं नहीं लाता ही। क्या समझाऊँ इसमें भाई, चेन 8 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है, काउंटिंग राइट से होगी, डबल बॉन्ड राइट से करीब है, ब्रांचेस 4 होंगी, मेरा कर्सर देखें 1 2 3 और 4, ये मेरे कर्सर को देखें ब्रांचेस कितनी, जो ये वाला जो इथाइल है चेन में आ जाएगा, ये ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच 4 होंगी, 1 2 3 4। अजान हो जाए तो मैं आगे बात करता हूँ, जब तक आप रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा। अहमद अली ये कर्सर देखो, ये 2, ये 6, हाँ भाई सबको क्लियर हो गया तो हेडिंग डाल दें, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स, अल्कीन में आज के एग्जाम्पल में कोई सवाल करना चाहते तो कर लें, अदरवाइज हेडिंग डाल दें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स।
तो हेडिंग डाल दी सबने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अब आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की हेडिंग पे जाएं जरा, और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के रूल्स पे जाएं। जिनके पास मौजूद नहीं है रूल्स और उन्होंने लेक्चर भी नहीं लिया और रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखा, उनसे माजरत के साथ, बाकियों से बात हो रही है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स पे जाएं, उसके रूल्स पे जाएं। तीन रूल्स हैं, जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और जहां पे ईन है वहां पे वाई एन ई आ जाएगा, यानी ई एन ई की जगह पे वाई एन ई आ जाएगा। चले भाई, मैंने स्लाइड भी खोल दिया आपके लिए। तो क्या बोला मैंने कि जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये देख लें। एक जगह पे, यहां दूसरी जगह, ये तीसरी जगह। तो जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पे ई एन ई है वहां पे वाई एन ई आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, जैसे कि ये देखें। तो जल्दी से रूल्स लिख लें आप लोग फटाफट क्विक। जल्दी से लिखें ताकि मैं एग्जांपल्स दूं आपको।
अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अल्काइन की, चले अभी अल्काइन की एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपके सामने आ गई। अबे इतनी देर बाद मैंने बंद किया, अभी तक कॉपी नहीं किया, नहीं कोई एडिशनल बात नहीं है, मैं वो चेंजिंग बता दी मैंने, जो वर्डिंग अल्कीन में लिखी थी वही वर्डिंग आएगी, सिर्फ डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और वाई एनी की ई एनी की जगह पे वाई एनी, बस और कोई चेंजिंग नहीं है, आप खुद कर सकते हो, कर लेना, कोई मसला नहीं। चले भाई एग्जाम्पल शुरू करें, कल के लेक्चर की तरह होगा, आप एग्जाम्पल लिख के प्राइवेट में मुझे भेजें सही जवाब इसका, फिर देखते हैं कितने लोग सही कर पाते। चेन लॉन्गेस्ट होगी, ट्रिपल बॉन्ड चेन में होना जरूरी है, काउंटिंग वहां से जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, ट्रिपल बॉन्ड का डिस्टेंस बराबर आ जाए तो ब्रांच, ब्रांच का डिस्टेंस बराबर आ जाए तो स्मॉल ब्रांच, ब्रांच के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसी तरह से आएंगे, चेन के नाम से पहले नंबर आएगा और ई एन ई की जगह पे वाई एन ई आएगा। उजैर मेमन ए नहीं आएगा एग्जाइन में, उजैर मेमन का जवाब सही है, अहमद अली का जवाब भी सही है, ताहिर खान का जवाब भी सही है, इसका मतलब आप लोग सीख गए भाई, मास फुरकान का जवाब भी सही है, बाकी जो लोग जवाब नहीं दे रहे पता नहीं ऐसा क्यों करते भाई, कब पढ़ोगे यार। रोशन का जवाब भी सही है, अशर तुमने एग्जाइन से पहले नंबर नहीं लगाया, बाकी सही है, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर डालो एग्जाइन से पहले।
हमारा 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 आएगा ना। ताबिश तुमने काउंटिंग मेरे ख्याल से गलत कर ली है, उसकी वजह से मिस्टेक हो गई है। काउंटिंग राइट से होगी, उसी लिहाज से नाम होगा। ताबिश तुम अपनी काउंटिंग चेक करो, काउंटिंग गलत की है। काउंटिंग वहां से होगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। अमीन ने भी सही किया। अब्दुल राफे 2 एग्जाइन होगा ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान है, तो 1 एग्जाइन नहीं होगा और ए नहीं आएगा एग्जाइन में। बिलाल अकमल ने सही किया, हाइफन लगाओ बिलाल, इथाइल के बाद हाइफन लगाओ, डाई मिथाइल से पहले हाइफन लगाओ। तलातर ने भी सही किया। उजैर अभी एग्जाम्पल 2 शुरू नहीं करो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 फाइनल हो जाए पहले। जो लोग भी एग्जाम्पल 2 बताना शुरू हो गए हैं वो काइंडली अवॉइड करें, अब एग्जाम्पल नंबर 1 फाइनल हो जाए, मैं फिर नहीं देखूंगा आपकी एग्जाम्पल नंबर 2, तो मसला बनेगा, आप बार बार लिखना पड़ेगा। चलो भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जरा फाइनल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ट्रिपल बॉन्ड चेन में होना जरूरी है, तो स्ट्रेट चेन बनेगी, काउंटिंग होगी राइट से, राइट से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। एक इथाइल 4 पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल 5 पे लगा हुए हैं, तो नाम क्या होगा भाई? तो 4 पे इथाइल है, 5 और 5 पे 2 मिथाइल है, और सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 और हेक्साइन हो जाए। और सेकंड मेथड वाले जो फॉलो करने वाले हैं वो लिखेंगे हेक्सा 2 आइन। चले एग्जाम्पल नंबर 2 अब करें। चले एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिख दिया है, किसी को मसला है तो सवाल कर ले, एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू कर दें आप। अहमद अली डाई लगाओ। हाँ बोलो। बी ओ एक्स काउंटिंग की मिस्टेक हो सकती है भाई इसमें। ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर पर है, ब्रांच दोनों तरफ से बराबर है। छोटी ब्रांच देखेंगे तो छोटी ब्रांच देखेंगे तो इथाइल छोटी है प्रोपाइल के मुकाबले में, काउंटिंग कोई मिस्टेक ना करे। जो लोग 4 इथाइल लिख रहे हैं उनकी मिस्टेक हो रही है काउंटिंग की। तायर का जवाब सही है, नहीं तायर का जवाब गलत है। तायर तुमने काउंटिंग सही नहीं की है। जितने लोग 4 इथाइल लिख रहे हैं वो गलत हो जा रहा है भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात हो रही है, 3 इथाइल वाले सही हैं, 4 इथाइल वाले गलत है।
इथाइल पहले आएगा रोशन, हाँ सही है, एक्सा डाई आयन होगा, जिस तरह डाई बीच में लगाते थे अल्किन में, अभी यहां भी लगेगा। हाँ भाई तो एग्जाम्पल नंबर टू में ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर है, ब्रांच देखेंगे, ब्रांच भी दोनों तरफ से थर्ड पर है तो स्मॉल ब्रांच देखेंगे, इथाइल स्मॉल है प्रोपाइल के मुकाबले में तो राइट से काउंटिंग होगी, लेफ्ट की तरफ जाएंगे आप तो इथाइल थ्री पे है, प्रोपाइल फोर पर है। ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही लिखा है लिहाजा मैं जुबानी पढ़ दे रहा हूँ, ये तो ये थ्री इथाइल हो जाएगा, फोर प्रोपाइल हो जाएगा, 1.5 हेक्सा डाइआइन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, थ्री इथाइल फोर प्रोपाइल 1.5 हेक्सा डाइआइन, हेक्सा डाइआइन। किसी को एग्जाम्पल नंबर वन और टू में मसला अगर है तो बता दें, एग्जाम्पल नंबर तीन देने लगा हूं मैं। आज के लेक्चर की आखिरी एग्जाम्पल है ये, कल इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर करेंगे अल्का अल्काइलीन की, वो टफ होगी जरा, उसमें सारे बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे। आखिरी एग्जाम्पल को एहतियात से कीजिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारी एनर्जी लूज हो जाती है मिस्टेक हो जाए आखिरी एग्जाम्पल में तो। आदमी की वो तो वो है
अब जितने लोगों ने इसमें कार्बन, सात कार्बन की चेन बनाई है वो तो गलत हो गया, ठीक है, तो उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है जल्दी में जिन लोगों ने किया। जिन लोगों ने नौ कार्बन की चेन बनाई है उनसे बात हो सकती है, ठीक है, यहाँ से देखें एक दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो नौ कार्बन की चेन साफ दिख रही है, तो जिसने नौ कार्बन की चेन बनाई है वो सही कर रहा होगा। तो काफी सारे सही आंसर दिख रहे हैं। अच्छा काउंटिंग आसान है, यहाँ पे काउंटिंग लेफ्ट से होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे वन में, काउंटिंग लेफ्ट से होगी, एक ब्रांच इथाइल की है और एक मिथाइल की है। चले जी, तो नाम इसका बड़ा छोटा सा आसान सा लिख के निपटाते हैं। थ्री पे इथाइल है और सिक्स पे मिथाइल है, सेवन पे जिन लोगों ने लिखा है वो गलत है, मास सेवन नहीं है सिक्स है, थ्री इथाइल है सिक्स मिथाइल है, एक ट्रिपल बॉन्ड वन पर है एक फोर पर है, तो वन कॉमा फोर, नौ कार्बन की चेन है तो नोना डाई आइन, ठीक है, नोना डाई आइन, जो मेथड टू फॉलो कर रहे हैं वो नोना वन कॉमा फोर डाई आइन लिखेंगे, वो भी सही है। तो थ्री इथाइल सेवन मिथाइल नहीं, थ्री इथाइल सिक्स मिथाइल और वन कॉमा फोर नोना डाई आइन, किसी को कोई इशू है तो प्लीज सवाल करें। लास्ट वाले का नाम मैंने बताया था ना आपको, तो भूल गया मैं, ऊपर कहीं बताया बताया था, वो आसान था तो मैंने जुबानी पढ़ दिया था। लास्ट वाले का जवाब था थ्री इथाइल फोर प्रोपाइल वन कॉमा फाइव हेक्सा डाई आइन, डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं, कहाँ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया इसमें। डबल बॉन्ड नहीं है भाई, सिंगल बॉन्ड ही है, वो तो हल्का सा डॉट आ गया, वो मैंने वहीं रोक दिया। कार्बन के पांच बॉन्ड थोड़ी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड अगर डाल के कर दिया तो माजरा, डबल बॉन्ड कहाँ है वो। तो भाई क्लास चल रही है ना मेरी, बनने ठीक है भाई, सबका कॉन्फिडेंस लेवल सही चल रहा है, नोमन क्लेचर को लेके कोई टेंशन, थ्री सिक्स मिथाइल वन कॉमा फोर नोना डाई आइन इसका नाम है, पिछले वाले का नाम था थ्री इथाइल फोर प्रोपाइल वन कॉमा फाइव हेक्सा डाई आइन, ये पिछले वाला का लिखा है यार इसने, किसी ने पूछा था तो प्रोपाइल इसमें नहीं है, आप परेशान ना हो, ये इससे पिछले वाले की बात हो रही है। क्लियर हो गया सबको, आज के लेक्चर में कोई सवाल करना है तो कर लें, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर, चैप्टर बोल रहा हूँ, कल हम इंशाल्लाह अल्काइल एल्काइलीन की नोमेनक्लेचर करेंगे और वो फिजिकल का जो हमारा पहला लेक्चर होगा अगले वीक उसमें चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई, कोई अगर मसला है तो सवाल कर लें वरना आप जा सकते हैं, लेक्चर एंड हो गया है। करते नहीं है ना, चलो जी अल्लाह हाफिज़।